और पाकिस्तान ने टीटीपी के कब्जे से अपने अफसरों को छुड़ाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन में 33 आतंकियों को मार दिया गया। दुनिया में टेररिज्म का तंबू लगाए पाकिस्तान ने टीटीपी के 33 आतंकियों को आखिरकार मार गिराया। खैबर पख्तूनख्वा में बने बन्नू काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी सीटीडी पर टीटीपी के आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। 12:30 बजे एसएसजी ने यह ऑपरेशन स्टार्ट किया और टेररिस्ट जितने हैं वो सारे के सारे इस ऑपरेशन में मारे गए और आज 2:30 बजे सारे का सारा कंपाउंड जो है वो सीटीडी का वहां पे जो है वो क्लियर कर दिया गया। इस दौरान ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के 2 कमांडर मारे गए जबकि करीब 15 कमांडर जख्मी हो गए। दरअसल पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान की हुकूमत की सांसें अटकी पड़ी थी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पाकिस्तान की सेना के कब्जे से अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश में जुटा हुआ था। टीटीपी लगातार पाकिस्तान सरकार और सेना को उसके कब्जे में आए सेना के लोगों को जान से मारने की धमकी देता रहा। हमने इसको पकड़ लिया है, इस मेजर को, मेजर अब्दुल रशीद खुर्शीद अकरम, मेजर खुर्शीद अकरम को हमने पकड़ लिया है जिंदा। पाकिस्तान के बन्नू में सब कुछ थम सा गया था। लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर रहना पड़ा। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के पास सिर पीटते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान को टीटीपी से 48 घंटे तक जूझना पड़ा। इस बीच सोशल मीडिया पर भी बंदकों की तस्वीरें वायरल होने लगी। टीटीपी की शर्त थी कि उन्हें और टीटीपी कैदियों को अफगानिस्तान सुरक्षित लौट देंगे। हमारे फौजी, हमारे पाकिस्तान के फौजी इदारे को हम पहले सलाम पेश करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर इसके बाद ये अर्ज है हमारा कि हमने इसको पकड़ लिया है, इस मेजर को, मेजर अब्दुल रशीद खुर्शीद अकरम, मेजर खुर्शीद अकरम को हमने पकड़ लिया है जेल में। इसके साथ 8-10 और बंदे भी है। अगर इसका कत्ल करना चाहते हो तो इसको हम कत्ल करेंगे। अगर हमको महफूज रास्ता अफगानिस्तान तक है तो इसको महफूज, और अगर इसको और अगर हम अफगानिस्तान तक महफूज रास्ता देगा तो हम इसको इंशाल्लाह जिंदा छोड़ेंगे, ठीक है। घातक राइफलों से लैस आतंकवादी शहबाज सरकार की आंखों के सामने ये सब कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान में हाई वोल्टेज ड्रामा छाया हुआ था। पाकिस्तान 2 दिन तक घबराया रहा। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा ये मुतालबा है, हम 35 फिदायान इस्लाम इस्तेजादीन जो जेल में बंद थे, अब हमने जेल को तोड़ा और ये हमारे कब्जे में है और इसके साथ साथ 8 बंदे और भी फौजी नौजवान हमारे कब्जे में है। हुकूमत पाकिस्तान को हम ये इतला देते हैं कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर हमको महफूज तरीके से हवाई रास्ते से अफगानिस्तान को पहुँचाया मेजर और इस बंद समेत, तो हम ये अहद देते हैं कुरान और इस्लाम का अहद कि हम ये 7-8 बंदे को वापस बहिफाजत पहुंचाएंगे और अगर हमको हिफाजत नहीं है तो हम मजबूर है तो हम इसको भी कत्ल करेंगे और बाहर निकल कर कैन में भी जितना हो सका उतना कत्ल करेंगे इंशाल्लाह। आपको बता दें कि पाकिस्तान हमले के लिए कुख्यात टीटीपी महीनों से पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जाहिर है पाकिस्तान ने जो जहर बोया है अब उसे उसी आतंकवाद के जहर का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट जी मीडिया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।